हेलो फ्रेंड, मैं मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विथ टेक। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम बात करते हैं कि VFD के अंदर कनेक्शन कैसे होता है, इसके अंदर कैसे कैसे कनेक्शन रहता है, पोर्ट का कनेक्शन कैसे करते हैं, डिजिटल इनपुट का कनेक्शन कैसे करते हैं, पुश बटन का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सारा आज एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ पूरा। तो फ्रेंड, जब हम VFD को खोलते हैं उसका कंट्रोल वाले सेक्शन को, तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पहले सबसे पहले हम बता देंगे कि उसमें X1 करके यानी उसमें डिनोट किया रहता है कि X1 इसके अंतर्गत आएगा और X2 X3 इसके अंतर्गत आएगा। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करते हैं। पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन इसलिए करते हैं कि मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंसी को अप डाउन करने के लिए किया जाता है, तो उसको हम पोटेंशियोमीटर करते हैं। तो सबसे पहले जो +10 वोल्ट है, ये चार नंबर का, तो ये आ जाता है हमारा +10 वोल्ट जो चार नंबर का है, ये आके लग जाता है हमारा इसमें एक नंबर में, 1, 2 और 3। तो ऐसा इसमें रहता है। जब इसको आप खोल के देखेंगे तो आपको इसके पीछे जो पीछे साइड है जो तीन पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, तो इसके अंदर तीन ये जो पोटेंशियोमीटर है आप फीडर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो इसके एक नंबर से चार नंबर से निकल के एक नंबर में आएगा और जो तीन नंबर है यानी ये जो तीन नंबर है ये निकल के जाएगा अपना इसमें, और जो ये सॉरी इसमें और जो इसमें के बीच से जो निकलेगा ये चला जाएगा ये दो नंबर में चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, ये इसका पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन होता है। पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन ऐसा ही करते हैं और इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंसीज के थ्रू अप डाउन करने के लिए किया जाता है। अब फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पुश बटन का कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसे कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। जैसे हम फील्ड से क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं तो हमें ये कैसे ऑन होता है, तो हम उसके लिए बात कर देते हैं डिजिटल इनपुट का। डिजिटल इनपुट के अंतर्गत यानी DI और DO, यानी डिजिटल इनपुट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ये एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। यदि वो आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल इनपुट किसको कहते हैं, डिजिटल आउटपुट किसको कहते हैं, एनालॉग इनपुट किसको कहते हैं, एनालॉग आउटपुट किसको कहते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा ब्रीफली बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसका पुश बटन का कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम क्या करते हैं, इसको 11 और 12 को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और जो 10 नंबर का जो है, आप जब उसको खोलेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो आप उसको जब खोलेंगे ना, इसके VFD के कवर को खोलेंगे, तो जो 10 नंबर का है जिसमें से +24 वोल्ट निकलता है, हम क्या करते हैं कि +24 वोल्ट को ही कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से जो निकलेगा तो जाएगा ये अपना किस में, ये जाएगा अपना 13 नंबर के NO में, यानी ये किसके लिए इस्तेमाल हो जाता है, ये जो इस्तेमाल हो जाता है फ्रेंड अपना स्टार्ट स्टॉप के लिए। ये जो है, ये इसमें क्या है, एक PNP मोड होता है, एक NPN मोड होता है, और इसमें टू वायर कनेक्शन होता है और 3 वायर कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है 2 वायर सिस्टम है, तो इसमें हमने स्टॉप के लिए क्या हो जाता है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए, यानी ये 13 नंबर का जो है NO में इस्तेमाल हो जाता है। यदि हम इसको क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड रिवर्स करना है, तो इसको क्या करते हैं, हम ये 14 नंबर में इस्तेमाल कर देंगे, ये जो NO है। और यदि हमें फॉरवर्ड रिवर्स के बाद क्या करना है, यदि इसको फ्रिक्वेंसी को यानी इसके स्पीड को अप डाउन करना है, वेरी करना है, तो हम इसका इस 15 नंबर में कनेक्शन करेंगे। और यदि अप का हो गया और ये डाउन का हो गया, तो डाउन के लिए हम क्या करेंगे, इसको 16 नंबर में कनेक्शन करें। जस्ट ये NO ही होता है, ये फीडर के पैनल पे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, NO का ही होता है। जैसे हम इसको पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जैसे ही इसको अब पुश करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें ये कनेक्शन रहता है, ये अपना
जो फॉरवर्ड और रिवर्स का है, और ये ऑन और ऑफ़ का है। और ऐसा ही इसमें क्या हो जाता है, एक रिले का कनेक्शन रहता है। तो अभी मैं आपको कॉन्टैक्टर के थ्रू बताता हूँ कि उसका भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे उसके बारे में कनेक्शन रहता है, कि फील्ड से हम जब कोई भी ऑपरेटर फील्ड से ऑपरेट करता है तो इसके अंदर कैसे अपना ऑन होता है VFD, तो उसके बारे में मैं आप बताना रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये मैं VFD के लिए कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, एक कॉन्टैक्टर के थ्रू कॉन्टैक्टर भी लगा रहता है, या तो फिर अपना 8 पिन का ग्लास रिले, जिसको प्ला रिले भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको ग्लास रिले भी बोल सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कंट्रोल MCB है, जो कि मैं इमेज में भी दिखा रहा हूँ, ये कंट्रोल MCB है, सिंगल पोल की MCB रहती है 6 एम्पियर की। तो जब MCB को आप उठाएंगे, तो जब MCB को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फील्ड का पुश बटन है, जहाँ पे अपना फील्ड में पुश बटन लगा हुआ है, तो उसका है ये, तो यानी एक नंबर में जाएगा। ये हमने दिखाया है, ये जो दिख रहा है ये NC है और ये NO है। आपको समझने के लिए मैं इस पर हैंडल लगा दिया हूँ, जैसे मैं दबाऊंगा तो ये NC हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, इसको दबाऊंगा तो ये अपना क्लोज हो जाएगा। तो ये मैं दिखाया हूँ आपको, जैसा कि इमेज में भी आप देख सकते हैं, पुश बटन का मैं खोल के इमेज आपको दिखा रहा हूँ। तो एक नंबर में जाएगा, फिर ये 2 नंबर में और 3 नंबर में हमने क्या किया, लिंक मार दिया। तो यही जो ये लिंक मारा हुआ है, यानी आपने इसमें क्या है, 3 वायर का इस्तेमाल करते हैं, R, Y और B, आप देख सकते हैं इसमें, तो यानी RYB, तो R तो ये हो गया, Y वाला को क्या करते हैं, जो कॉन्टेक्टर का NO रहता है, कॉन्टेक्टर का NO इनपुट, यानी कॉन्टेक्टर के NO में हम दे देते हैं, जो कि इस पे लिखा रहता है 13, 14 और कहीं कहीं 33 और 34 लिखा रहता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो इसमें जो है यानी NO में आ जाएगा, और ये जो 4 नंबर का है, यानी 4 नंबर का, ये जो 4 नंबर का, ये जो 4 नंबर से हमने क्या किया, कनेक्शन किस में दिया, A1 में दे दिया है, कॉन्टेक्टर के A1 में। और A2 का क्या है, A2 में न्यूट्रल है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट आते हुए अपना A2 में लग जाता है। तो ये जो है A1 में आ गया। तो ये जो NO का है, NO का हमने क्या किया, यहाँ से होल्डिंग के लिए, जस्ट इसको होल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि A1 का है। तो जैसे हमने क्या करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे तो ये पावर यहाँ तक आया ही है, जैसे ही इसको हम पुश करेंगे, यानी NO को पुश करेंगे, तो यहाँ से पावर इसको मिल जाएगा, न्यूट्रल इसको है तो ये पिकअप हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या हो जाएगा, ये पावर जैसे ये पावर MCB को ऑन किया, तो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ये क्या हो जाएगा, जैसे पिकअप होगा तो ये NO का NC हो जाएगा। तो जब NO का NC हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, पावर कंटिन्यू मिलता रहेगा A1 को, और हमारा कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, यानी कंटिन्यू चलने लगेगा। अब रही बात VFD की, तो जो एक NO इसमें जो इस्तेमाल करते हैं हम VFD में, तो इसका जो इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो 13 नंबर का मैंने आपको दिखाया था उसमें पिछले जो स्लाइड में किए, जो 10 नंबर से निकल के कहाँ जाता है, 13 नंबर में निकल के जाता है, तो वही वाला +24 वोल्ट है, वो वाला +24 वोल्ट हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं इसमें, अब फिर इसी को ले जाके क्या करते हैं, 13 यानी जो 10 नंबर से निकला वो डायरेक्ट इस NO में आ गया, और यहाँ से जो निकल के गया है वो 13 नंबर के पुश बटन के कनेक्शन में चला गया। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, फील्ड से स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा, तो ये NO का NC हो जाएगा, तो हमारी VFD ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड इसमें ऐसा इसका लॉजिक लिया रहता है। तो इंटरव्यू में कई बार ये पूछा जाता है, बनाकर दिखाना पड़ता है, मुझसे खुद पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा आपको, तो हमें कमेंट करके बताइए। अधिक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सर फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।